जय हिंद साथियों। साथियों आज बात करने वाले इंडियन आर्मी की ओर से 2022 में और एक भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है, जिसके बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। कौन स्टेट के लिए भर्ती आया है, कब से अप्लाई करना है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, रैली कब से हो गए, अप्लाई कब से करना, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कितनी सारी पोस्ट यहाँ पर रखा है, कितनी कैटेगरी पोस्ट रखा है। सबसे पहले पोस्ट आपका जनरल ड्यूटी को रखा है, जो जीडी होता है। जीडी में आवेदन करना चाहते हैं तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास मतलब माध्यमिक पास होना चाहिए, और इसमें आपका 45% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क आपका हर सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। जो जीडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको यहाँ पर 17.5 से 30 साल का बीच में जो कैंडिडेट हो अप्लाई कर सकती है, और एज जो काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 का बीच में जितने सारे कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी पोस्ट आपका अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स, इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं 12th पास होना चाहिए, साथ में आपको 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका एज सेम ही रखा है। तीसरी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी अग्निवीर क्लार्क और स्टोर कीपर ऑल आर्म्स, इसमें आपका 10+2 12th पास मांगा है, 60% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क होना चाहिए, इसमें भी आपका एज सेम ही रखा है, 17.5 से 30 साल ही रखा है। अग्निवीर ट्रेड्समैन, इसमें आपका आवेदन करना चाहते हैं और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और 8th पास में आवेदन करना चाहते हैं, 10th पास में आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका 33% मार्क एग्रीगेट होना ही चाहिए, मतलब हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क होना ही चाहिए। उसके बाद आपका जो अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास दिया है, इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपल से 8th पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क होना ही चाहिए, साथ में आपका जो एज दिया है वो सब में सेम ही रखा है, 17.5 से 30 साल का बीच में सभी पोस्ट के लिए रखा है। नीचे आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको को उस हाइट में रिलैक्सेशन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल के बारे में दिया, फिजिकल के बारे में बता दे तो 1.6 किमी आपका रन होगा, जो दौड़ होगा, जो ग्रुप वन में आएगा उनको समय दिया जाएगा 5 मिनट 30 सेकंड से पहले जो आएगा उनको 60 मार्क दिया जाएगा, जो ग्रुप टू में आएगा उनको 5 मिनट 31 से लेकर 5 मिनट 45 का बीच में जो कैंडिडेट दर का आएगा उनको 48 मार्क दिया जाएगा। फिजिकल दर क्वालिफाई करने के बाद आपको पुल अप्स होगा, 10 मारने से आपको 40 मार्क मिलेगा, 9 मारने से 33 मार्क मिलेगा, 8 मारने से 27 मार्क मिलेगा, 7 मारने से आपका 21 मार्क मिलेगा, 6 मारने से आपका 16 मार्क मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट 6 का नीचे मारता है तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, साथ में आपका 9 फीट डिच होगा जो नेट क्वालिफाई है, इसके लिए कोई मार्क नहीं है, साथ में आपका जिग जग बैलेंस होगा, ये भी नेट क्वालिफाई है, इसके लिए भी कोई मार्क नहीं है। तो एडमिट कार्ड के बारे में आपको बताया है, एडमिट कार्ड आपका रैली का पहले पहले दिया जाएगा, आपका रजिस्टर्ड ईमेल या तो आपका इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर दिया जाएगा। तो अभी बता देता हूँ कौन स्टेट के लिए यह भर्ती निकल के आया और आपको अप्लाई कब से कब तक करना है। यहाँ पर देख लीजिए रिक्रूटमेंट ऑफिस अल्मोड़ा या रिक्रूटमेंट ऑफिस यारो अल्मोड़ा की ओर से आया है, अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मैन ओनली, मैं जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए आया है, और रैली कब से कब तक होना देख लीजिए, फ्रॉम 20 अगस्त 2022 टू 31 अगस्त 2022, 20 अगस्त 2022 से आपका रैली शुरू हो जाएगा, 31 अगस्त 2022 तक चलेगी आपका रैली। कहाँ पर होगा यहाँ पर देख लीजिए, उनका नाम दिया है कुमाऊन रेजिमेंटल सेंटर, यहाँ पर देख लीजिए कुमाऊन रेजिमेंटल सेंटर रानीकेट में आपका रैली होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना आपको मैंटनरी है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है, 30 जुलाई 2022 तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है। यारो अल्मोड़ा की ओर से ये नोटिफिकेशन आया है, कितनी सारी पोस्ट यहाँ पर रखा मैंने बता दिया कैटेगरी वाइज, कौन इसके लिए एलिजिबल देख लीजिए, एलिजिबली कैंडिडेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, यहाँ पर जो जो डिस्ट्रिक्ट दिया है वो डिस्ट्रिक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अल्मोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, अल्मोड़ा बागेश्वर यहाँ पर देख लीजिए, और सारी दिया है उदाम सिंह नगर, और यहाँ पर और एक डिस्ट्रिक्ट आपको बचा है नैनीताल एंड उदामनगर, ये सारी डिस्ट्रिक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो कब से कब तक करना, रैली कब होगा, आपको सब कुछ मैंने बता दिया। आपका एडमिट कार्ड जो है रैली से आपका 10 से 15 दिन पहले आपको रजिस्टर्ड ईमेल या तो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको और भी कंडीशन दिया है, आपका सैलरी कितना दिया जाएगा,
पहला ईयर, दूसरा ईयर और तीसरा ईयर, चौथा ईयर में आपका कितना कितना सैलरी दिया जाएगा, ये सारी जानकारी भी यहाँ पर दिया है। तो जो सारी ये पीडीएफ को देखना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप इसको सारी अच्छे से देख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतने रखता हूँ, जय हिंद जय भारत।